अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दाल बना रही हूँ आंध्रा स्टाइल, और मिट्टी के पाट में बना रही हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। तो पहले हम यहाँ पे ज़ीरा डाल लेंगे, हरी मिर्च और लहसुन डाल लेंगे, आंध्रा स्टाइल दाल है आज एकदम होटल जैसी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। पहले ज़ीरा डाली, लहसुन और हरी मिर्ची डाली मैं यहाँ पे, और लहसुन और हरी मिर्ची को थोड़ा जलने, थोड़ा भून लेंगे। प्याज डालना है, थोड़ा हींग डालेंगे। मिट्टी की पॉट है ना, तो थोड़ा बैरागी से जल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, इन सबको अच्छे से भून लेंगे फिर से। अब इसमें मैं एक टमाटर डाल रही हूँ, मैं टमाटर से प्यूरी बना के रखी थी। यहाँ पे मैंने पहले से ही दाल को गला के रखी है, सिर्फ हल्दी दाल की गलाई है। इसमें थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा सा हल्के से यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसमें भी थोड़ा नमक डाल लीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने थोड़ी पालक की भाजी ली थी, इसमें डाल दूंगी अभी। थोड़ी सी मेथी भाजी भी डाल रही हूँ, पालक और मेथी दो सब्जियां भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारी सब्जियां पूरे अच्छे से गल चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, पालक की। सच्ची में बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम दाल को मिला देंगे। ये देखिए हमारी दाल, अब इसको थोड़ी देर ऐसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। नमक चेक कर लीजिएगा आप। ये देखिए हमारी दाल यहाँ पे बन चुकी है। इसमें ज़ीरा राइस सादा चावल में बहुत टेस्टी रहता है ये दाल, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में वैसी दिख रही है लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है। पालक की भाजी और मेथी की भाजी डाल के ऐसे ट्राई कीजिएगा दाल, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, सच्ची में यम्मी खुशबू अच्छी आ रही है आंध्रा दाल स्टाइल स्पेशल, जो मिट्टी के पाट में बनाई हूँ मैं आज फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इसका स्वाद और कैसे रहते देखते हैं। हमारी दाल यहाँ पे बन चुकी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।